तो हमने पहले के एपिसोड में ये जाना कि हमारे पास दो नॉस्ट्रिल क्यों हैं और कैसे वो हठ योगा काम कर रहा है। तो ये समझ में आया कि लेफ्ट वाली ठंडा है, राइट वाली गर्म है, और ये क्यों है ये समझ में आ रहा है, ये कैसे काम कर रहा है। तो हमने देखा राइट फॉलोज लेफ्ट, लेफ्ट फॉलोज राइट, और एक काम करता है। जैसे सुबह में अगर कुछ काम करना हो तो राइट वाली काम करेगी तो लेफ्ट वाली उसको फॉलो करेगी। जैसे कदम होते हैं ना, पैर, अगर आपको किसी से थप्पड़ लगानी हो राइट से तो लेफ्ट वाला क्या करता है, उसको सपोर्ट करता है, हाथ ऐसे रखने की कोशिश करता है ताकि राइट से अच्छा थप्पड़ लग सके। वैसे ही ब्रीदिंग है, अगर राइट काम कर रही है तो लेफ्ट क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, प्लेजेंट होगी। अगर वो भी मोटिवेट हो जाए तो गड़बड़ हो जाए, लेकिन सोना हो तो आपको लेफ्ट वाली बढ़ जाए ताकि वो सपोर्ट हो, क्योंकि सोने के लिए क्या चाहिए, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन क्या है, अनडूइंग। जितनी ये कम चलेगी तो क्या होगा, राइट वाला बढ़ेगा। तो ये सुबह में काम आता है, वैसे राइट वाला बढ़े, राइट वाला कम होगा तो लेफ्ट वाला बढ़ेगा, तो लेफ्ट वाला फिर सोने में काम आ जाता है। तो इस तरह से काम करता है। ऐसे ही अगर नेचर में भी देखोगे तो यही है, पहले सुबह होती है, फिर दोपहर होती है, इसका एक तालमेल होता है, उसका तालमेल अपने शरीर के साथ होता है। और ये तालमेल कैसे बनता है, वो बस कुछ और नहीं है, अगर ब्रीदिंग के मामले में देखें तो शरीर एक कमरा है, नोज एक विंडो है, और जो तालमेल, जो हा और था का बनाना है, इसीलिए हमारे पास दो नॉस्टिल्स हैं। क्या है, एक गर्म वाली और एक ठंडी वाली। तो ये ऐसे काम कर रही है। अब ये अगर देखें, जैसे आप ब्रीदिंग कर रहे हो, जैसे भस्त्रिका की, इनहेल की, एक्सहेल की, तो बेसक है दोनों ब्रीथ चल रही है, राइट वाली नॉस्ट्रिल भी चल रही है, लेफ्ट वाली भी चल रही है। वो बात अलग है कि एक उसमें से ज्यादा चल रही होगी, एक कम चल रही होगी। टू मच डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए, दैट इज प्रॉब्लम, बिकॉज टू मच डिफरेंसेस हो तो बैलेंस नहीं है। बैलेंस इज व्हाट, समथिंग नियर बाय। जैसे मैंने कहा था ना कि दो लोग अगर एक बात पे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, एक सुने और एक बोले तो ओके है आर्ग्यूमेंट, लेकिन एक सो जाए और एक बोले सिर्फ तो नहीं चले। वैसे ही चलनी चाहिए, बिल्कुल बंद हो जाए तो प्रॉब्लम है। तो कैसे नॉस्ट्रिल बंद होती, इसके बारे में हम आगे के एपिसोड में देखेंगे। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि ये कैसे काम कर रही है। तो हम जब भस्त्रिका कर रहे हैं, सांस ले रहे तो चल रही है, तो जब भस्त्रिका हम करते हैं तो हमें अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है चंद्र सूर्य का, तो भी ये काम करता है। देखो ये ऐसा है, पता चल जाए तो क्या होता है कि हम उसको और अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब नहीं पता है तो इसका मतलब ये नहीं है जब उसकी ज़रूरत होगी तो नहीं यूज़ करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको नहीं पता, बच्चे को नहीं पता पैर चलने के लिए होते हैं, बट वो इस्तेमाल कर ले जाता है, राइट? तो नॉलेज होने का मतलब क्या होता है कि जब ज़रूरत हो तो उसको समझ लें ताकि इस्तेमाल कर लें, तो उसका बेटर इस्तेमाल करना आ जाता है। पता होने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी जब मर्जी होगी तब चलो, मर्जी नहीं, योगा क्या, नीड है, तो नीड को पकड़ के चलना होता है। और पता होने का मतलब होता है उस जो चीज को, जो अपने आप हो रही है उसके ऊपर उंगली ना करो बल्कि सपोर्ट करो। तो जब भस्त्रिका करोगे तो एक ब्रीथ कोई ज्यादा चल रही होगी, हो सकता है सुबह करो और सुबह में आप रात में अच्छे से सोए हो तो ठंडा आराम से मिला हो, तो सिंपल सी बात है ठंडे के बाद गर्म आएगा, यानी कि राइट ब्रीथ ज्यादा चल रही होगी। जब भस्त्रिका करोगे फिर भी राइट ब्रीथ ज्यादा चलेगी तो आपने देखा होगा कि तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट ब्रीथ चल रही है भस्त्रिका कर रहे हो। एक्सहेल कर रहे हो तो हो सकता है लेफ्ट वाली एक्सहेलेशन में बड़ी चल रही हो, तो मतलब इनहेलेशन में राइट वाली बड़ी चल रही होगी और एक्सहेलेशन में लेफ्ट, जबकि दोनों नाक को अच्छे से खोला, किसी को बंद नहीं किया है ऐसे, क्योंकि नेचर को इतनी अंडरस्टैंडिंग है वो हिसाब से कम कर रहा है। तो ये समझने का क्या फायदा हुआ, समझने का ये फायदा हुआ कि आप भस्त्रिका करो, एक कम भी चल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम क्या करते हैं उसको बराबर करने की कोशिश करते हैं। देखो बराबर इसको नहीं कहते, बराबर विद द नीड, दोनों को बराबर चलाओगे तो गड़बड़ होगी, दोनों को बराबर चलाओगे तो एक ऐसी कंटेनमेंट स्टेट आ जाएगी जहां आपको ना ही करने का मन करेगा ना एक्चुअली रिलैक्स, क्योंकि एक ऐसी स्टेट आ जाती है दैट इज नॉट समथिंग हेल्थ। हेल्थ इज समथिंग जब राइट की जरूरत हो, जैसे काम करना हो तो राइट चलने लगे, जब सोना हो तो लेफ्ट चलने लगे, रिलैक्स करना हो तो लेफ्ट चलने लगे, आपको कहीं जाना हो तो राइट चलने लगे, सोचना हो तो राइट चलने लगे आपको, मतलब बेसिकली ऐसा है, ये स्विच होना चाहिए टाइम टू टाइम। तो इसकी समझ होनी चाहिए।
लेकिन ये फिर समझ के और इसका क्या फायदा हो सकता है, और इसका ये फायदा हो सकता है, जैसे कि अभी सपोज आपको रात को नींद नहीं आई है, और नींद नहीं है तो बेशक मतलब राइट वाली रात में ब्रीथ ज्यादा चली होगी, इसलिए ज्यादा एनर्जी आ रही होगी, राइट की ब्रीथ चली मतलब हीट एक्सरसाइज हो रही है अंदर, तो मूवमेंट आ रहे हैं, इसका मतलब वो क्या हो रहा है, शरीर के अंदर एनर्जी बन रही है, तो नींद नहीं आई है। अब नींद नहीं आई है तो सिंपल सी बात है, ब्रीदिंग इज व्हाट, इनहेल के बाद एक्सेल, एक्सेल के बाद इनहेल, तो इनहेल चला तो कहीं ना कहीं एक होने के बाद, एक साइकिल होने के बाद, क्योंकि लाइफ इज व्हाट, साइक्लिंग ना, ठंडा गर्म घूमता रहता है, सिर्फ गर्म 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 नहीं है, एक लेवल के बाद फिर वो घूम के आएगा, तो वैसा है। तो अब क्या होगा, सुबह क्या चलने लगेगा, सुबह चलने लगेगा एक्सेलेशन, एक्सेलेशन ज़्यादा चलेगा तो नेचर में ठंडा है, अब एक्सेलेशन करोगे तो एक्सेलेशन के वजह से इनहेलेशन जो होगी वो शरीर के अंदर ठंडा भरेगी, तो ठंडा भर रही है, एक्सेलेशन है तो वो गर्मी निकल रही है, तो गर्मी निकल रही है, ठंडा मिल रहा है, तो मतलब सर्दी के चांसेस है। तो अब यहाँ पे आपने भस्त्रिका देख के, जो पहले हम क्या एपिसोड में देखा कि आपने इनहेल एक्सेल करके भस्त्रिका कर लिया, उस केस में भी वही होगा जो हो रहा है, तो उसको सपोर्ट करके आप जाओगे, लेकिन उसमें हो सकता है आपको टाइम लग जाए, क्योंकि क्या होता है कि दोनों नॉस्ट्रिल चलेगी, फॉर एग्जांपल इसी केस में जैसे आप चलना चाहिए इनहेलेशन ज़्यादा, लेकिन चल रही है एक्सेलेशन, तो जैसे ही इनहेल एक्सेल दोनों नॉस्ट्रिल से भस्त्रिका करोगे तो होगा क्या, आप एक्सेल कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो, तो दोनों नॉस्ट्रिल खुली हुई है, तो इनहेल करते समय क्या है, चांसेस है ठंडा भी चला जाएगा, राइट, क्योंकि खुली है ना, आपने सिर्फ एक बंद करके नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको चाहिए गर्मी, तो आप चांसेस है ठंडा चला जाएगा, निकाल रहे हो तो उसमें अपने राइट को बंद तो नहीं किए लेकिन निकल जाएगा। तो क्या होता है कि अर्ध प्राणायाम करने से, नॉस्ट्रिल बंद करने से क्या हो सकता है, हम प्रिसाइज टारगेट कर सकते हैं, गर्मी चाहिए तो गर्मी को टारगेट कर लिया, ठंडी को ठंडी को टारगेट कर लिया, तो ये चीज़ होती है। जैसे अभी कपालभाति ले लो तो एक से तेज चलेगी, लेकिन एक हमने बंद कर दी तो हम टारगेट कर सकते हैं ना, ठंडा निकालना है तो ठंडे को निकाल दिया, गर्म को निकाला, तो एक क्या होता है, ये अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको एक और प्रिसाइज थेरेपी मिल जाती है, और क्विकली, जो शायद आप 10-15-20 मिनट के बाद आप जाके वो बेनिफिट मिलता, वो हो सकता है क्विकली, हो सकता है 10-15 के प्रैक्टिस में, और हो सकता है विद इन मिनट आप ये, देखो मेरा टारगेट ये है कि इंस्टेंट रिजल्ट, दूर की बात नहीं, जिनको लगता है ना योगा इज अ लॉन्ग टाइम रिजल्ट, बड़ी गलती है। लॉन्ग टाइम रिजल्ट का मतलब ये नहीं होता, मैं ही नहीं बोल रहा हूँ वो गलत बोल रहे हैं, सिर्फ इतना बोल रहे हैं, लॉन्ग टाइम रिजल्ट मतलब क्योर। व्हाट इज क्योर, क्योर इज व्हाट, नथिंग बट अ रेपिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, आज रिजल्ट मिला फिर, तो रिजल्ट इज कंप्लीट इटसेल्फ, बट क्या हो रहा है कि आपने अभी किया रिजल्ट मिला, बाद में वैसे ही नॉर्मल हो गया, फिर आपने किया तो रिजल्ट हो गया, फिर नॉर्मल मिला, तो ये कंटिन्यूटी जब आ जाती है तो क्योर में बदल जाता है, लेकिन रिजल्ट 100% कह सकते ना, फॉर अ टाइमिंग के लिए भी तो क्योर होना चाहिए 100%, देयर इज नो अबाउट पार्शियलिटी। देखो काम होता है या तो नहीं होता, ये नहीं बोल सकते हो आधा होता है, होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है, दो में से एक ही चीज होती है, आप ये नहीं कह सकते कि मेरा काम हो रहा है, हो रहा है मतलब इट्स अ प्रोसेस, होने और नहीं होने के बीच में उसको बात ही नहीं करते, बात करते हो गया। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को टारगेट कर सकते हैं। तो हमारे दिमाग में अब एक चीज़ समझ में आ गई, जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है वो है ठंडे से रिलेटेड, जिसको हम चंद्र कह सकते हैं, और राइट से जो ब्रीदिंग होगी वो गर्म है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आप ब्रीद लोगे लेफ्ट से वो कैसी होगी, ठंडी, यानी कि लेफ्ट से ब्रीद लोगे तो शरीर के अंदर ठंडी जाएगी, लेफ्ट से ब्रीद निकालोगे तो इसका मतलब ठंडी निकलेगी, क्योंकि वो वहीं की आसपास की निकल रही है। अगर शरीर के अंदर भी राइट से आके लेफ्ट में जाएगी तो क्योंकि वहां पे हॉल जैसा है, खुला है, तो अनडूइंग हो जाएगा, तो जिसकी वजह से लेफ्ट निकलेगी तो ठंडी ही निकलेगी। वैसे ही राइट के केस में है, राइट से ब्रीद लोगे तो गर्म जाएगी, मतलब क्या है, हवा गर्म हो जाती, गर्म जाती नहीं है, गर्म हो जाती है, हमने देखा है। अब वही अगर अंदर से निकलेगी राइट से तो गर्म निकलेगी। इसका मतलब मैं यहाँ पे आपको एक सवाल पूछ सकता हूँ, आपको बहुत अच्छे क्लैरिटी आएगी। सपोज किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम है, तो हाई बीपी में क्या होता है, हीट बढ़ा है, इसका मतलब आप यहाँ पे दिमाग लगा सकते हो कौन सी ब्रीथ ज्यादा चल रही होगी, हीट वाली ब्रीथ चलेगी, हीट कौन सी है, राइट, लेकिन वो राइट में इनहेलेशन चल रहा होगा या एक्सेलेशन चल रहा होगा, कोई भी चल सकता है, इनहेल भी चल सकता है, एक्सेल भी चल सकता है, हम सिर्फ यहाँ पे प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते यही चलेगा, दोनों में से कोई भी चल, हमें इतना ये श्योरिटी आ सकती है कि ये चल रहा है तो इसका मतलब क्या है।
तो इनहेलेशन अगर राइट की चल रही है, इसका मतलब क्या है, हाई बीपी बढ़ रहा है, राइट, और सीरियस होने वाला है। और राइट वाली अगर एक्सहेलेशन चल रही है, इसका मतलब ठीक हो रहा है, अच्छा हो रहा है, राइट। तो अब वो ये पता है तो इसको हम सपोर्ट करके और जल्दी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को ये भी पता है कि राइट वाली अगर इनहेलेशन चल रही है तो हम एक्सहेलेशन को नहीं कर सकते, हम उसी को सपोर्ट करेंगे। जैसे ही उसको सपोर्ट करेंगे तो एक्सहेलेशन चलने लगती है। आपको ये पता ही है कि इनहेल को सपोर्ट करो तो एक्सहेल बड़ी होती है, एक्सहेल को सपोर्ट, क्योंकि दोनों ही इंटरडिपेंडेंट हैं। तो जैसे ही देखा आपने राइट की इनहेलेशन बड़ी चल रही है और आपके दिमाग में तो ये आ रहा है कि एक्सहेलेशन चलाना है, लेकिन आप वो चला नहीं सकते, आप क्या करोगे, बॉडी की सुनोगे ना आपकी सोच, तो आप क्या करोगे, राइट वाली इनहेलेशन चलाने लगोगे। जैसे ही इनहेलेशन चलाओगे तो एक स्टेबिलिटी आएगी, कैसे, पैसिवली तरीके से, क्योंकि पैसिविटी चाहिए ना आपको, क्या चाहिए, ठंडा, ठंडा चाहिए, तो पैसिविलिटी अनडूइंग तरीके से कराना है। तो वो चीज कराओगे तो क्या होगा, एक्सहेलेशन बड़ा होने लगेगा, एक्सहेलेशन बड़ा होने लगेगा, तो एक्सहेलेशन बड़ा करते जाओगे, बड़ा करते जाओगे, बड़ा करते जाओगे, तो क्या होगा, गर्मी निकलने लगेगी। तो आपने फोर्स भी नहीं किया, एक सही तरीके से किया, एक्सहेलेशन बड़ा होने लगा। तो ये इसको आप कैसे करोगे, पहले तो ऐसे नॉर्मल कर लिया तो वो अपने आप हो रहा है, लेकिन ये चीज अपने भस्त्रिका में समझ ली, जब देख लिया, तो आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके इसको प्रैक्टिस किया। तो बंद करके किया तो पहले क्या हुआ, इनहेलेशन चल रही थी, जैसे ही इनहेलेशन बैलेंस होगा तो एक्सहेलेशन बड़ा होने लगा, हीट निकलने लगा, तो इसको क्या बोलेंगे, सूर्य, सूर्य मतलब राइट, अनिलोम विलोम मतलब निकालना, लेना निकालना है, तो इसको क्या बोलेंगे, सूर्य अनिलोम विलोम, राइट। अब इसमें भी अलग अलग चीज देख सकते हो, अगर इनहेलेशन बड़ा कर रहे हो तो क्या बोलेंगे, सूर्य अनिलोम विलोम इनहेलेशन बड़ा करके, एक्सहेलेशन बड़ा कर रहे हो तो एक्सहेलेशन बड़ा करके बोलेंगे, इनहेल के बाद होल्डिंग हो सकती है। देखो ये कितने वेरिएशंस बन रहे हैं इसकी, मैं अलग से वीडियो बना रखा हूं, देख आप देख सकते हो कि 48 तरीके के प्राणायाम इसमें वेरिएशन समझ सकते हैं, वो चीज हम समझेंगे यहां, बट और अगर इसको एक अलग से समझना है ओनली ऑन द वेरिएशंस तो आप वो वीडियो देखिएगा। तो आपने देखा कि इनहेल एक्सहेल तो ये होने लगा, तो आपने देखा तो ये हो गया सूर्य अनिलोम विलोम, एक्सहेलेशन बढ़ा करके, पहले इनहेलेशन बढ़ा था फिर एक्सहेलेशन पे आ गया, अभी एक्सहेलेशन बढ़ा होने लगा, तो फिर क्या कर सकते हो, आपको पता है कि जितना ज्यादा एक्सहेलेशन होगा तो आप उसको कर सकते हो, तो आपने क्या करा दिया, बंद करके कपालभाति करा दिया, कौन सा, अर्ध कपाल, अर्ध मतलब आधा, लेकिन राइट से कर रहे ना तो इसको क्या बोलेंगे, सूर्य कपालभाति, सूर्य का मतलब राइट, कपालभाति का मतलब निकालना, तो हमने सूर्य करा लिया। ऐसे करोगे तो भी निकलेगा उसी से, लेकिन चांसेस है यहां से भी निकल जाएगा ना, तो गर्मी निकलते निकलते ठंडा भी निकल जाएगा, उसको अगर पूरा रोक दिया तो क्या हो गया, थेरेपी में क्या हो गया, एक स्ट्रेंथ मिल गई ना, और जल्दी हो गया, सूर्य कपालभाति करा लिया। वैसे ही लेफ्ट से है, अभी जैसे ये निकाला तो निकाल, ये हो गया कि हाई बीपी को आपने कैसे ठीक किया, निकाल के, मतलब हीट को निकाल के। अब इसके बाद आप कोशिश आपकी रहेगी शरीर में जितना ठंडा आ जाए तो अच्छा है, तो आपने क्या कि इसको बंद किया, अब लेफ्ट से ब्रीद लोगे, लेफ्ट से ब्रीद लोगे तो क्या होगा, शरीर के अंदर ठंडा जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, तो एक्सहेलेशन छोटा होगा, इनहेलेशन बड़ा होगा, इनहेलेशन बड़ा होगा तो ठंडा अंदर जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, चंद्र, चंद्र मतलब लेफ्ट, देखो लिखा है, याद मत, याद करने की जरूरत नहीं, इतना याद रखो, अनिलोम विलोम पता ही है, इनहेल एक्सहेल, चंद्र मतलब लेफ्ट, तो लेफ्ट से कर रहे हैं, इनहेलेशन पहले बड़ा करके किया, इनहेलेशन बड़ा करके किया, लेकिन एक्सहेलेशन बड़ा नहीं करना है क्योंकि हमें ठंडा निकालना नहीं है, तो इनहेलेशन बड़ा करके कर दिया, राइट। तो इससे क्या समझ में आया, कौन कौन से बन पा रहे अर्ध में, एक तो बन गया, अभी देखो यहाँ पे हम थोड़ा प्राणायाम के नाम भी दे देते हैं, जैसे हमने क्या किया, ये थेरेपी में मैंने बताया कि कैसे क्या ये बन रहा है। देखो मेरा फोकस ये नहीं कि आपको नाम बता दूं, और फिर मेरा फोकस ये है कि मैं बताऊं कि ब्रीदिंग टेक्निक कैसे बन गई, कैसे काम कर रही है, फिर आपको समझ, अच्छा ये भी एक प्राणायाम है, ये भी एक प्राणायाम है, राइट। तो वो चीज है, तो हमने क्या देखा, अर्ध प्राणायाम बनेंगे, अर्ध प्राणायाम मतलब आज हम देख रहे हैं नॉस्ट्रिल बेस्ड प्राणायाम, एक एक सिंगल सिंगल नॉस्ट्रिल बेस्ड। तो वैसे देखें तो अगर आप अनिलोम विलोम करोगे तो क्या बोलोगे, लेफ्ट तरफ करोगे तो क्या बोलोगे उसको, चंद्र अर्ध अनिलोम विलोम, चंद्र मतलब ठंडा, अर्ध मतलब आधा, मतलब अल्टरनेट नहीं करोगे, आधा करोगे, और अनिलोम विलोम मतलब लेना निकालना, यहाँ का वहां, यहाँ का वहां किधर, मतलब वहीं पे निकालना और लेना होगा,
तो लेफ्ट से लिया, लेफ्ट से निकाला, तो क्या हो गया, चंद्र अर्ध अनुलोम विलोम। और इसमें भी आप वेरिएशन बहुत सारे देखोगे, जैसे मैंने बोला वीडियो में देख सकते हो उसको, तो उसमें क्या किया, इनहेल बड़ा करके किया, एक्सहेल बड़ा करके किया, इनहेल पे होल्डिंग किया, एक्सहेल पे होल्डिंग किया, दोनों इक्वल किया, इनहेल एक्सहेल, जरूरत के हिसाब से ये सब बदली होंगी, और फिर बाद में आपने उसमें होल्डिंग भी लगा दी, इनहेल के बाद भी, एक्सहेल के बाद भी, तो ऐसे कैसे छह तरीके की वेरिएशन बनते हैं। वैसे ही इसको एक्टिवली कर सकते हो, पैसिवली कर सकते हो, 12 हो जाएंगे, ऐसे ऐसे राइट के बन जाएंगे। सूर्य अनिलोम विलोम, इनहेल लिया, एक्सहेल निकाला, इनहेल एक्सहेल, राइट की तरफ शिफ्ट किया, तो क्या बोलेंगे, सूर्य अर्ध अनिलोम विलोम, उसमें भी इनहेल बड़ा करके, एक्सहेल बड़ा करके, इनहेल पे होल्डिंग, एक्सहेल पे होल्डिंग, इनहेल एक्सहेल इक्वल, इनहेल एक्सहेल दोनों पे होल्डिंग, इसको एक्टिवली मतलब जोर जोर स्मेल ब्रीदिंग, डिपेंड करता है ना, हाई बीपी को करा रहे हो, लो बीपी को करा रहे हो, स्ट्रेस को करा रहे हो, डिप्रेशन करा रहे हो, फीवर को करा रहे हो, किसको करा रहे हो, मोटिवेशन के लिए करा रहे हो, या फिर रिलैक्सेशन, नींद नहीं आ रही है, समझ आ रहा है, उसके हिसाब से एक्टिवली पैसिवली ये सारा चीज आप कर सकते हो। ये हो गया। दूसरा हमने क्या देखा, कपालभाति। अब कपालभाति निकलता है तो दोनों से निकाल रहे थे तो जो चल रही होगी निकलेगी, तो अगर हमने लेफ्ट से कर लिया तो क्या बोलेंगे, चंद्र कपालभाति। ये हो गया। इसको भी थोड़ा आप स्पीड और स्लो में भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन नीड। वैसे राइट का करोगे तो क्या होगा, सूर्य कपालभाति। तो ये चीज है, तो हमने ये चीजें देखी। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे, और उसमें हमारा ये फोकस होगा जानना कि एक रेगुलेशन लाना है। जैसे एक फैन होता है, अब फैन को ठंडा तो चालू कर दिया आपने, हवा तो चालू कर दी, लेकिन वो 1 पॉइंट पे चालू किया, 2 पॉइंट पे, 3 पे, 4 पे, किस पे? क्योंकि क्या हो सकता है, किसी को कोल्ड है तो हो सकता है आपको गर्मी देनी पड़े, लेकिन कितनी गर्मी देना है वो भी तो डिपेंड करता है। जैसे दवाइयां देते तो देते ना, हाफ टैबलेट, फुल टैबलेट, तो आपको होना चाहिए। जैसे आप किसी को कराए तो ज्यादा लग रहा है, तो उसमें कंट्रोल करना आना चाहिए ना, रेगुलेट करना। तो क्या करोगे तो कम होगा। तो हमें तो ये पता है कि ठंडा लाना तो अनडूइंग करना है, लेकिन कितना अनडूइंग करना है, ब्रीदिंग के एस्पेक्ट पे कैसे उसको कम ज्यादा करेंगे, और कैसे इंटेंसिटी आएगी उसके हिसाब से, कैसे कितने सारे ब्रीदिंग वेरिएशन बन चुके जो ऑलरेडी हम जानते हैं, बस क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जर्वेशन में ला रहे हैं, इतने अच्छे से ऑब्जर्वेशन में, ताकि इस टीटीसी में हमें इतना समझ में आ जाए कि हम कोई भी डिजीज को टारगेट कर सकें। तो ये चीज हमें करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।